एवरी वन वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हेयर सो ट्रेडर ये आपके सामने सबसे पहले है बैंक निफ्टी का चार्ट पाँच मिनट का चार्ट है मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं. मार्केट इस रेंज के अंदर है और हम इन लेवल्स को ही ट्रेड करेंगे तब ही बेटर ट्रेड्स मिलने वाले हैं आज के दिन जो ट्रेड था मैंने आप लोगों को एक चीज़ फ्री ग्रुप में भी पेड में दोनों में एक चीज़ मैसेज की थी कि ये जो है ये हाई जब तक क्रॉस नहीं होगा जब तक कोई बाइंग नहीं आने वाली ठीक है एंड अगर ये लेवल टूटता है अराउंड दिस ये था आपका फोर्टी वन फाइव थर्टी के अराउंड थर्टी फाइव के अराउंड अगर ये टूटता है तो मार्केट टेस्ट कर सकती है फोर फिफ्टी फोर हंड्रेड एंड थ्री फोर्टी फोर ये ऐसे कुछ लेवल्स है थ्री फिफ्टी सॉरी ये लेवल्स टच हो सकते हैं सो अब मार्केट फोर हंड्रेड तक आई थी ऑलरेडी right. उसके बाद से पूरे दिन मार्केट क्या साइडवेज रही है एंड यहां पर मार्केट क्या कर रही है एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बना रही है मतलब कि जो स्पेस है वो अभी कम हो गई है एंड मार्केट किसी ना किसी तरफ एक्सप्लोर करना चाहती है ओके okay? अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी इधर नीचे गई फिर वापस उसी रेंज के अंदर आ गई यहाँ पर भी ऊपर जाने की कोशिश की फिर ऐसे नीचे आ गई अब आपके सामने दो तीन इक्वेजन्स हैं जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ ओपन होते हैं डायरेक्टली गैप अप सो थिंग इज़ कि इस लेवल पे ना दो बार रेजिस्टेंस आ गया है चांसेस हैं फोर्टी वन सेवन हंड्रेड ना दोबारा एक रिजेक्शन देगा ओके तो अगर रिजेक्शन देता है रेड कैंडल बनती है कुछ बनता है तो हम शॉर्ट ले सकते हैं यहाँ पर मतलब पुट बाय कर सकते हैं टारगेट अपना यहाँ हो सकता है ठीक है ये मैं एक्सट्रीम्स की पहले बात कर रहा हूँ गैप डाउन हुआ तो आपके पास एक ये जगह है जहाँ से आप बाइंग कर सकते हो यहाँ पर मैं सेलिंग अभी नहीं बोलूंगा अभी मार्केट इस रेंज के अंदर थोड़ा वक्त बिताने वाली है ओके पहली बात अब अगर हम यहाँ ओपन होते हैं यहाँ ओपन होते हैं या यहाँ ओपन होते हैं यहाँ होते हैं ये एरिया ही नहीं है ट्रेड करने का यहाँ पर आप चेजिंग करोगे और कुछ नहीं करोगे तो इसलिए इस एरिया को हम अवॉइड करेंगे ओके okay? अब एक एरिया ये है एक एरिया ये है और क्या है और है इसके अंदर अब अगर कल हम लोग बिल्कुल फ्लैट ओपन होते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू ओपन लेथ से हेयर ऐसे या फिर लेथ से हम ओपन होते हैं नीचे ऐसे टूटने मतलब एक इगरेट कैंडल बनती है या फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने एक सेकेंड में एक बार दोबारा कर देता तो, हूँ मार्क यहां से मार्केट रिजेक्ट कर रही है लेट से एक बड़ी कैंडल बनती है इस टाइप से रेड कैंडल बन जाती है तो आप एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं मार्केट वापस फोर्टी वन फोर हंड्रेड को टेस्ट कर सकती है एंड देन लोअर पॉइंट्स ओके सेम गोस हेयर अगर मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाती है इस लेवल को तोड़ती है ये आपका लेवल आता है समवेयर अराउंड 41585 अगर ये लेवल टूटता है मार्केट इसके ऊपर क्लोज देती है पाँच मिनट पे तो आप इस लेवल को चेक कर सकते हैं 41680 और 41720 ये लेवल चेक हो सकते हैं इतना सा हमारा ट्रेड रहने वाला है इसके अंदर सारा का सारा इसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं है आज अगर आप देखेंगे मैंने आप लोगों को पहले फ्री दिखा देता हूँ मैं इसमें मैंने आप लोगों की चीज़ क्लियर कर दी थी कि अगर मार्केट फोर्टी वन के ऊपर ट्रैवल करते है, तो ही बाय करने का फ़ायदा है उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ शेयर नहीं किया था उसके बाद एक मौका आया था 140 फोर्टी पर अगर मार्केट वापस 450 तोड़ती है अगर आप 140 देखेंगे 140 फोर्टी एरा और हमारा जो एरिया था वो ये था ठीक है इस एरिया को मैं देख रहा था जो क्लोज है प्रीवियस डे का मैंने आपको बताया था प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो अगर ये लेवल टूटता मार्केट क्लोज़ करती तो यहाँ पर एक शॉर्ट बनाया जा सकता था टारगेट इसके लिए और इसके लिए ठीक है अब जो प्रीमियम वाला ग्रुप है उसके अंदर शेयर किया था यहाँ पर एक ये आर बी रेट हाइक के बाद इधर एक शॉर्ट टेन ट्वेंटी पर शेयर किया था फ़ाइव फोर्टी वन फाइव थर्टी पर आप ये देख सकते हैं फोटी वन फाइव थर्टी टेन ट्वेंटी इधर इधर शेयर किया था इस लेवल पे कि अगर ये लेवल टूटता है आपका फाइव थर्टी वाला ये लेवल ब्रीच होता है बेसिकली ये वाली लाइन ये ये वाली लाइन अगर ब्रीच होती है क्योंकि ये न्यूज़ वाली लाइन है ऊपर बाइंग करनी थी इसके नीचे सेलिंग करनी थी तो क्विक स्कैल पर यहाँ पर आ गया उसके बाद से पूरे दिन मार्केट घूमती रही दो तीन आइडियाज बने बट वो वर्क ही नहीं किया बिकॉज वहां पर एंट्री ही नहीं आई ऑलराइट सो so, पूरे दिन साइडवेज ही मार्केट अब कल है एक्सपायरी सो मोस्ट प्रॉबेबली चांसेज हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं एक्सपैंड हो सकती है क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन रहा है ठीक है मैंने आपको लेवल्स बता दिए सारी चीजें बता दी अब आपको बस इसी चीज पर ध्यान देना है अब ऑन दी अदर हैंड निफ्टी जो थी निफ्टी कंपेयर्ड थोड़ा उसने अच्छा मूव किया काफ़ी अच्छा मूव किया मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया बैंक निफ्टी में ही किया बट निफ्टी में यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड था प्रीवियस डे हाई पे इसने एक स्टैंड uh, लिया और इधर से वापस प्रीवियस हाई को मतलब जो डे हाई था उसको चेक किया फिर थोड़ा बहुत घूमी फिर ऊपर गई और ऑलमोस्ट आप लेके चलिए कि जो मॉर्निंग का जो हाई मारा था इसके आसपास ही बंद हुई है ठीक है तो अब यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर है क्लियर ये है कि ये जो लेवल है जो मॉर्निंग हाई है अब ये मॉर्निंग हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक बार दो बार तीन बार चार बार चेक हुआ है बट प्राइस जो है एट द एंड ऑफ द डे इसके नीचे बंद हुई है तो ये जो लेवल है सेवनटीन एट एट्टी का इसके ऊपर अगर मुझे पाँच मिनट का क्लोज मिलता है तो यहाँ पर मैं करूँगा बाय एस मेरा बहुत छोटा होगा इसके अंदर चालीस पैंतालीस पॉइंट का से ज़्यादा का एस नहीं होने वाला मेरा इसके अंदर आप आराम से इसमें ट्रेड ले सकते हैं अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे इधर हम पंद्रह मिनट के अगर चार्ट पे जाएं पंद्रह मिनट के चार्ट पे आप ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ लेवल्स जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है ये तो थोड़ा ब्रॉडर लेवल्स हो गए यहाँ तो हमारे ब्रॉड लेवल्स हैं जो इमीडिएट लेवल्स हैं वो हैं इधर ठीक है इमीडिएट लेवल्स हैं इधर सो आप ये लेके चलिए कि ये एरिया जो है ना आपका ये एरिया ये आपका सम सॉर्ट ऑफ बाइंग जोन है फॉर नाउ अनलेस सेंटल मार्केट ये राइजिंग वेज समझ के यहाँ से ऐसे टूट जाए तो हम इसको एज टारगेट ले सकते हैं अगर हम यहाँ शॉर्ट करना है मौका मिले स्पेस है क्योंकि यहाँ पर सेवनटीन एट सिक्सटी टू है और ये है सेवनटीन सेवन सेवन वन सो ऑलमोस्ट हंड्रेड पॉइंट्स का स्पेस है हमारे पास तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर और ये अगर इधर हमें गैप गैप डाउन मिलता है कुछ मिलता है या फिर टर्न अराउंड करती है मार्केट या कुछ करती है ऐसे टूट के आती है वापस इस टाइप का कुछ हमें मिलता है जैसे यहाँ पर मिला था हमें ये देख सकते हैं आप ठीक है अगर ऐसा कुछ यहाँ पर मिलता है हमको तो यहाँ पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं वापस इस हाई को टेस्ट करने के लिए और इसको जो कि है 17880 और फर्स्ट होगा 17840 ये टारगेट्स हम देख सकते हैं सो तो आपका जो गेम प्लान रहेगा वो इसके बीच में रहने वाला है यहाँ पर आप सबसे पहले रिजेक्शन ट्रेड देखिएगा क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है मार्केट इसी दिन बहुत गंदा टूटी है यहाँ पर तो ये यह जो यहाँ पर जो सेलर्स हैं ना ये एक्टिव हैं बेसिकली जो कॉल राइटर्स हैं वो इतनी आसानी से इस जगह को नहीं छोड़ेंगे अनलेस एंडल गैप अप खुले और कैंडल अच्छी खासी ग्रीन बने थोड़ा बहुत एक साइडवेज मूव दे एंड देन अगेन ऊपर जाने को तैयार है तो ये सब के सब कवर करेंगे या फिर पहली कैंडल में ही दो तीन कैंडल ऊपर भाग जाए तो ये सब के सब कवर करेंगे एंड एक शॉर्ट कवरिंग रह ली जाएगी ठीक है तो आपने ध्यान देना है इस लेवल पर रिजेक्शन के लिए इस लेवल पर बाइंग के लिए और अगर हमको इस लेवल के आसपास पास मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ अराउंड इस लेवल के आसपास दोबारा अगर मेरे को कुछ मिल जाता है इधर कहीं इधर कहीं अगर मुझे मिल जाता है तो क्लोज़ के नीचे मैं दोबारा एक शॉर्ट ट्रेड ले सकता हूँ टारगेट मेरा क्या होगा सेवनटीन आपका सबसे पहले आएगा एट उसके बाद सेवनटीन 810 टेन एंड देन सेवनटीन सेवन एट्टी ये टारगेट्स मैं देख सकता हूँ यहाँ पर छोटे टारगेट्स से ज़्यादा बड़े नहीं बोलूंगा हंड्रेड पॉइंट की रेंज है ऑलमोस्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके नीचे और बड़े टारगेट्स आएंगे और बाकी जो बाइंग है वो सेवनटीन एट एटी के ऊपर ही होगी क्योंकि मैंने आप, आपको लॉजिक बता दिया कि इस लाइन के ऊपर बड़ी कोशिश की है मार्केट ने चार बार जाने की बट फेल हुई है और क्लोज यहाँ पर हुआ है रिपीट कर दिया वापस तो इसलिए लेवल का ध्यान रखिएगा सेवनटीन एट एटी इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा ठीक है so, सो ये एनालिसिस शॉर्ट सिंपल टू द पॉइंट अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एनालिसिस कैसा लगा आपको अभी मैं स्टॉक ज्यादा नहीं बता रहा हूं बिकॉज जो मैं मूवमेंट चाह रहा हूं उस लेवल की मूवमेंट जो मैं स्टॉक्स देख रहा हूं उनमें मुझे नहीं मिल रही थी बजाज फाइनेंस एशियन पेंट्स और ये सब जो हैं ये मेरे रेडार पे हैं इनको मैं देख रहा हूं इनमें जब हो सके मैं छोटी छोटी ट्रेडिंग भी कर रहा हूं बट मेरा स्विंग लेके जाने का मन है एक बार थोड़ा ट्रेंड चेंज हो तो आई रियली वॉन्ट टू गो स्विंग इन दैट तो आप एक बार आप भी देख सकते हैं इन समय कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न बनता है तो आप भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं सो आई एडवाइस नहीं थी बस एक बार मैं आपको बता रहा था कि इनमें कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग